गोड्डा का अंचल कार्यालय है और अभी हम उनके ठीक सामने खड़े हैं। अंचल कार्यालय के सामने खड़े होने की ये वजह हो गई कि एक गोड्डा के जिले के मेहरमा के अंचल कार्यालय की एक कहानी सामने आ रही है, जहां एसीबी के द्वारा यानी कि निगरानी विभाग के द्वारा एक नाजीर पर, जो नाजीर के पद पर कार्यरत है वहाँ पे मिथिलेश कुमार नाम के व्यक्ति को पुलिस ने, निगरानी विभाग ने धर दबोचा है। शिकायत की गई थी कि वो घूस लेते पकड़े गए हैं और घूस वो लिया करते थे, तो निगरानी विभाग उस पर नजरें बनाई हुई थी। आज उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। तो क्या है पूरी कहानी और क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर मेहरमा से आ रही है, जहां मेहरमा अंचल नाजीर मिथिलेश कुमार को घूस लेते गिरफ्तार किया हुआ है। जी हां, मेहरमा अंचल में नाजीर मिथिलेश कुमार हैं, जिन्हें घूस लेते हुए एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है, निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। मिथिलेश कुमार रंगे हाथों पकड़े गए थे और उन्हें पकड़कर एसीबी की टीम ने हिरासत में ले लिया है। इधर पूरे मामले पर मेहरमा के सीओ ने बताया है कि वो खाना खाने यानी कि लंच पर गए थे, जिस दरमियान ये पूरी घटना हुई है। हम तो जस्ट 2 बजे खाना खाने गए, हम जा रहे हैं, तेज नीचे पब्लिक से जानकारी हुआ, उसके बाद जानकारी हुई। हाँ, कोई जानकारी हुआ। क्या नाम है उस अंचल नाजीर का? मिथिलेश कुमार जी। तो आपको कब सूचना मिली? जब खाना खा के आए हैं नीचे, सीढ़ी पर चल रहे हैं, सूचना मिली, बैठे हुए हैं ऑफिस में। आपने सुना कि सीओ ने साफ तौर से कहा है कि उनकी गैर मौजूदगी में ये पूरी घटना हुई है, वो लंच पर थे जिस दरमियान ये घटना हुई है। हालांकि ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें धर दबोचा है तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया होगा, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेकर एसीबी की टीम गई है। तो ये बड़ी खबर मेहरमा से आ रही थी। हम आपको अपडेट दे दें, एक बार फिर से बता दें कि मेहरमा अंचल में यानी कि मेहरमा के ब्लॉक कार्यालय में नाजीर के पद पर कार्यरत थे मिथिलेश कुमार, जिनको घूस लेते रंगे हाथों एसीबी की टीम ने पकड़ा है, मतलब कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पकड़ा है।